अगर बात बिहार की जाए तो कई लोगों का यह मानना है कि बिहार में बेरोजगारी की बहुत समस्या है और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है। ऐसे में अब बिहार सरकार के द्वारा उन बेरोजगार लोगों के लिए खुशखबरी लाई गई है जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कहीं नौकरी नहीं कर पा रहे हैं और बेरोजगार बैठे हैं। बता दें कि अगर कोई युवा अब किसी चीज का रोजगार या स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं तो उसे अब पैसे को लेकर कोई टेंशन नहीं होने वाली है, क्योंकि अब वैसे युवाओं के लिए राज्य सरकार बिहार उद्यमी योजना चला रही है। इस योजना के तहत युवाओं को उनके स्टार्टअप के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस 10 लाख रुपए में युवाओं को 50% की डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 5 लाख रुपए सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में उन्हें मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत बिहार में छोटे उद्योग की शुरुआत करने के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इन 10 लाख रुपयों में से 5 लाख रुपए की राशि 84 महीनों यानी कि 7 साल के भीतर सरकार को लौटानी होगी, जिसका ब्याज 1% होगा। वहीं इस स्कीम के तहत महिलाओं को और भी छूट दी गई है। उन्हें इस योजना का लाभ उठाने पर 1% का भी ब्याज सरकार को नहीं लौटाना होगा। महिलाएं केवल सरकार को 7 साल के भीतर 5 लाख रुपए लौटाएंगी जो उन्होंने अपने स्टार्टअप के लिए लिया था। इस योजना के आने से अब युवाओं को अपने रोजगार के लिए किसी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे सीधे सरकार से ये लोन ले सकते हैं, वो भी बहुत ही कम ब्याज में। बता दें कि इस योजना का लाभ उठाना युवाओं के लिए काफी आसान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CM नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च की गई उद्यमी योजना का लाभ किसी भी वर्ग के महिला या पुरुष के द्वारा उठाया जा सकता है। इस योजना को साल 2021 में नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के युवाओं के लिए की गई थी। अगर कोई युवा इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन फॉर्म उद्योग विभाग की वेबसाइट पर मिलेगा, जहां जाकर युवा इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार उद्यमी योजना का नोटिफिकेशन आने के बाद इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले युवाओं को निबंधन कराना होगा। बता दें कि इस योजना के लिए वही युवा निबंधन कर सकते हैं जिनके पास आधार कार्ड हो, वरना वो इसके लिए निबंधन नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही आवेदकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि आधार कार्ड से उनका मोबाइल नंबर भी जरूर लिंक हो। बताते चलें कि इस योजना के तहत विभाग के द्वारा एक आधार कार्ड पर एक ही निबंधन स्वीकार किया जा सकता है। आवेदन करते समय आवेदकों को इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि वो किस फील्ड में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को उद्योग विभाग की वेबसाइट पर अपनी नजर बनाकर रखनी होगी। योजना से जुड़ी सभी जानकारी इसी वेबसाइट पर दी जाएगी, इसलिए इच्छुक आवेदकों को इस पर ध्यान देना होगा ताकि उन्हें समय से सभी जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा अगर कोई आवेदक और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वे उद्योग विभाग से भी संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।